हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ एनालॉग सर्किट आई एम गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यूज बेस्ड ऑन ऑसिलेटर्स व्हिच इज इन यूनिट थ्री ऑफ एनालॉग सर्किट्स तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर द एक्टिव डिवाइस इज एल सी टैंक सर्किट बाइसिंग सर्किट ट्रांजिस्टर एंड नन ऑफ द एवम तो राइट ऑप्शन इज ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर इज द एक्टिव डिवाइस मीन्स की सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन एलसी ऑसिलेटर ऑसिटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज डैशनल टू स्क्वायर ऑफ डायरेक्टली प्रपोजनल टू एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यूज इनवर्सली प्रोपोजनल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस तो मैं सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ फॉर्मूला रेजिडेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है एल सी एल में दैट इज गिवेन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई टू बाई अंडर रूट एल सी एल इज द इंडक्टर सी इज द कैपेसिटीज ठीक है तो विच ऑप्शन इज करेक्ट डी इनवर्सली प्रोपोजनल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस बिकॉज दिस इज द फिक्स वैल्यू जो वैल्यूज होंगी इसकी चेंज होंगी उसके अकॉर्डिंगली एफ की वैल्यू चेंज होगी क्लियर और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑसुलेटर मस्ट इंप्लॉय पॉजिटिव फीडबैक निगेटिव फीडबैक नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव फीडबैक नन ऑफ द एवम तो प्लीज रिमेम्बर ऑसुलेटर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं पॉजिटिव फीडबैक So, right option, Now, question, oscillator, oscillator तो वॉट इज द राइट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर टाइप्स प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली स्टेबल आउटपुट फ्रीक्वेंसी कॉल्पेट्स ऑसिटर वैनब्रिज ऑसिलेटर क्रिस्टल ऑसिलेटर और हर्टले तो प्लीज रिमेंबर कि स्टेबल जहां भी हमें स्टेबल क्लॉक फ्रीक्वेंसी की रिक्वायर्ड होती है जनरली माइक्रो प्रोसेसर्स में भी तो हम क्या यूज करते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं मीन्स की सी इज द राइट ऑप्शन Next question: An LC oscillator cannot be used to produce frequencies high, audio, very low, and very high frequency. So, correct option for this is very low frequency. वेन ब्रिज ऑसुलेटर जनरेट ऑसोलेशन ओनली इफ द गेन ऑफ द टू स्टेज एम्पलीफायर इज लेस देन थ्री यूनिटी मोर देन थ्री एंड लेस देन यूनिटी ठीक है तो इनकेस ऑफ वेन ब्रिज ऑसिटर अगर हमें ऑसोलेशन चाहिए ऑसोलेशन तभी स्टार्ट होता है वेन वोल्टेज गेन इज ग्रेटर देन थ्री और अगर वो इक्वल टू थ्री आ जाता है तो वो सस्टेन्ड हो जाता है ठीक है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए उन्होंने पूछा ऑसोलेशन जनरेट ऑसोलेशन तो दैट इज मोर देन थ्री इज रिक्वायर्ड टू जनरेट oscillation Next question hartley oscillator is commonly used in radio receiver radio transmitter tv receivers none of the above so basically hartley oscillator is used as local oscillator in radio receiver so what is the right option option a is correct for this question in a phase shift oscillator we use rc sections 2, 3, 4, or none of the above so we use three rcs ठीक है थ्री यूज करते हैं और याद रखना है फेस शिफ्ट देता है मीन्स कि देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ वन एट्टी डिग्री बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज और अगर हमें वन एट्टी डिग्री का फेस शिफ्ट चाहिए हमने तीन आर सी सेक्शन यूज करिए और एवरी सेक्शन कितने की प्रोवाइड करेगा वन एट्टी डिवाइडेड बाई थ्री मीन्स कि एवरी आर सी सेक्शन प्रोवाइड सिक्सटी डिग्री फेस डिफरेंस फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट्स आर एल एंड सी आर एल सी आर एंड सी नन ऑफ द एव तो इसके टू टाइप्स हैं आइदर आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि उसमें हम जो नेटवर्क यूज करते हैं फॉर फेज शिफ्टिंग वो कौन से होते हैं तो so, वो हमारे आर एंड सी होते हैं तो राइट ऑप्शन इज दिस और आइदर आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का तो दैट इज एफ आर इज इक्वल टू वन बाई टू पाई आर सी अंडर रूट सिक्स ठीक है तो टोटली totally ये कांस्टेंट हो गया ये कांस्टेंट हो गया मींस की फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है आर एंड सी की वैल्यूज पर ठीक है तो सी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेन ब्रिज ऑसोलेटर यूजेज फीडबैक ओनली पॉजिटिव ओनली निगेटिव बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव नन ऑफ द एव तो वेन ब्रिज ऑसोलेटर जो होता है वो दोनों फीडबैक यूज करता है मीन्स की सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस वेन ब्रिज ऑसोलेटर यूजेस बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन अ क्रिस्टल इज अ बोल्ट इज डेवलप बिकॉज ऑफ मैकेिकल स्ट्रेस अ चेंज इन रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर अ नन ऑफ द एवम तो पिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेसिकली हमारा जो क्रिस्टल ऑसोलेटर होता है वो कुछ ऐसा ऐसा हम शो करते हैं ठीक है ये हमारी प्लेट्स होती हैं जब हम इस पर मैकेनिकल स्ट्रेस देते हैं तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस इंट्रोड्यूस होते हैं मीन्स की अ वोल्ट डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल इंटरेस्ट मीन्स की ए इज द राइट ऑप्शन if the crystal frequency changes with temperature we say that crystal has dash temperature coefficient it is positive zero negative and none of the above so it has positive temperature coefficient means ki a is the right option The crystal frequency is very stable due to dash of the crystal rigidity vibrations low q and high q क्रिस्टल ऑसिलेटर हैज हाई क्वालिटी फैक्टर क्यू इज द क्वालिटी फैक्टर तो मीन्स की डी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन गेन स्टेबिलिटी इन एन ऑसिलेटर कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग लो क्यू सर्किट प्रोवाइडिंग पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइडिंग नेगेटिव फीडबैक एंड कंट्रोलिंग द गेन तो हमें यहाँ पे क्या अचीव करना है गेन स्टेबिलिटी तो फॉर दिस आपको क्या करना होगा गेन को कंट्रोल करना होगा मीन्स की कंट्रोलिंग द गेन इज द राइट ऑप्शन next question an oscillator differ from an amplifier because it has more gain requires no input signal requires no dc supply always has the same input तो राइट ऑप्शन इज़ रिक्वायर नो इनपुट सिग्नल्स ठीक है बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है वो क्या करता है थोड़ी जो इलेक्ट्रिसिटीज के या कुछ भी फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको ही वो पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू एम्पलीफाई करके देता है तो हमें आउटपुट पे सिग्नल मिलते हैं बट हम जनरली मान के चलते हैं कि ऑसोलेटर डज नॉट रिक्वायर एनी इनपुट सिग्नल which of the following statement is correct regarding the vane braze oscillator it is also called sine cosine oscillator it is a square wave generator it is a free running oscillator it is a stable sine wave audio generator so this is a stable sine wave generator that's why it is used in experimental works now next condition a condition for oscillation is gain of one around the feedback loop no gain around the feedback loop the attenuation of the feedback सर्किट मस्ट बी वन थर्ड द फीडबैक सर्किट मस्ट बी कैपेसिटिव तो सबसे पहले तो अगर हमें ऑसोलेशन की कंडीशन होनी चाहिए तो दैट इज कॉल बारखाइजन क्राइटेरिया जिसमें हमारा क्या होता है जो गेन होता है ए बीटा शुड बी इक्वल टू वन ठीक है तो इन दिस केस हम लिखेंगे अगेन ऑफ वन अराउंड द फीडबैक लूप मीन्स की ए इज द करेक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज अ फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अगेन द सेम क्वेश्चन फिक्स्ड हो स्टेबल हो तो हम क्या बोलेंगे क्रिस्टल ऑसिलेटर इज अ फिक्स फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड और स्टेबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर मीन्स की ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन इन ऑसिलेटर सर्किट द एनर्जी फीडबैक टू इट्स इनपुट टर्मिनल फ्रॉम आउटपुट इज ऑलवेज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल 270 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट सिग्नल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद इनपुट सिग्नल और 90 डिग्री तो यहां पे आपका क्या है कि इन्होंने पूछा है इन ऑसलेटर सर्किट द एनर्जी फीडबैक ठीक है ऑसिलेटर सर्किट में जो एनर्जी फीडबैक होता है टू द इनपुट टर्मिनल एंड आउटपुट टर्मिनल देयर इज जीरो जीरो डिग्री फेज डिफरेंस ठीक है मीन्स की ऑलवेज विथ इन फेज विद द इनपुट सिग्नल ए इज़ द राइट ऑप्शन ठीक है अगर जीरो डिग्री लिखा है तो भी वही सही है अगर लिखा है कि इक्वल होगा इन फेज ऑफ इनपुट सिग्नल दैट इज ऑल्सो करेक्ट

फोर टाइम्स मीन्स की फोर एल ठीक है तो अगर हम इसको फोर एल से रिप्लेस करते हैं तो फोर को अगर हम ब्रैकेट के बाहर लेते हैं तो वट इज द वैल्यू वन टू पाई टू अंडर रूट एल सी तो कितने का यहाँ पर हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है टू टू का क्या हो रहा है इन्वर्सली प्रपोजनल है मीन्स की अगर हमने एल को इंक्रीज किया तो हमारी एफ़ जो होगी वो डिक्रीज होगी और बाई विच वो होगी जैसे यहाँ फोर था तो उसका अंडर रूट आपने लिया तो क्या आएगा फोर अंडर रूट आपने फोर को सॉल्व किया तो क्या मिला हमें टू मीन्स की इंक्रीज सॉरी डिक्रीज बाई टू टाइम्स वॉट इज द राइट ऑप्शन डी डी इज द करेक्ट क्या होगा डिक्रीज बाई टू एल को इंक्रीज करेंगे तो एफ डिक्रीज होगी कितने से डिक्रीज होगी जो वैल्यू जितने की इंक्रीज हुई थी उसका अंडर रूट लेना है वी गेट द आंसर डिक्रीज बाई टू टाइम्स Now, next question the signal generator generally used in the laboratories is dash oscillator, vane brace, Hartley crystal, or phase shift. Already told that we used vane brace oscillator, means ki A is the right option. नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑसिलेटर मस्ट नॉट हैव एनी फीडबैक हैव द पॉजिटिव फीडबैक हैव द नेगेटिव फीडबैक हैव नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक तो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है बट वो डिफरेंट टाइप से था तो यहाँ पर भी सेम आंसर होगा कि अगर ऑसिलेटर है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए मीन्स कि बी इज़ द राइट ऑप्शन गेन ऑफ एन आइडियल ऑसोलेटर इज यूनिटी जीरो इन फाइनाइट एंड स्लाइटली मोर देन यूनिटी तो अगर आइडियल ऑसोलेटर है तो गेन शुड भी इनफाइनाइट मीन्स की सी इज द राइट ऑप्शन

एम्पलीफायर इन वेनब्रिज ऑसोलेटर कंसिस्ट ऑफ सीई स्टेज फॉलोअ बाई सी 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 स्टेज फॉलोड बाई सी बी स्टेज फॉलोड बाई सी एंड सीई स्टेज फॉलोड बाई सी बे तो याद रखना सीई इज मीन्स कॉमन एमीटर सीसी मीन्स कॉमन कलेक्टर एंड सी बी मीन्स कॉमन बेस तो वट इज द राइट ऑप्शन जब बेसिक एम्प्लीफायर जो वेनब्रिज में होते हैं उसमें कॉमन एमीटर स्टेज फॉलोअड बाय कॉमन कलेक्टर मीन्स की ए इज द राइट ऑप्शन

is equal to R2 is equal to R and C1 is equal to C2 is equal to C then formula क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू वन वाई अंडर रूट टू पाई अंडर रूट आर स्क्वायर सी स्क्वायर जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 वाई टू सी तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो आप ये फॉर्मूले लिख के भी रखिएगा बिकॉज हो सकता है आपको आर की वैल्यू गिवन है सी की वैल्यू गिवन है तो आपसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछ ले हो सकता है आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी गिवन हो आर या सी में से कुछ एक वैल्यू मिसिंग हो वो आपसे पूछ सकते तो आपको फॉर्मूला का आइडिया होना चाहिए इस फॉर्मूले का भी और दिस फॉर्मूले का भी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द वेनब्रिज ऑसलेटर इज जनरली यूज फॉर स्क्वायर वेब जनरेशन नैरोज ऑफ साइन वेब जनरेशन वाइड रेंज ऑफ साइन वेब जनरेशन एंड नन ऑफ द एवम तो प्लीज रिमेबर वेनब्रिज इज यूज फॉर नैरोज ऑफ साइन वेव मीन्स की बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑसरेटर कैन प्रोड्यूस स्वाटो वेव स्क्वायर वेव साइन वेव एंड एनी ऑफ द एवम तो ऑसलेटर है तो वो कोई भी वेब जनरेट करेगा मीन्स की एनी ऑफ द एव इज द राइट ऑप्शन मीन्स की डी इज करेक्ट

तो हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड साइनोसोडल ऑसोलेटर मीन्स की बी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स हैव अ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्स 20 हर्ट टू 100 किलो हर्स हर्ट टू 20 किलो हर्स फिफ्टी हर्ट्स टू हंड्रेड किलो हर्स राइट ऑप्शन इज ट्वेंटी हर्ट टू हंड्रेड किलो हर्स ठीक है मीन्स कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन जीरो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड क्वेश्चन फेस शिफ्टेड प्रोवाइडेड बाय वन फेस शिफ्ट नेटवर्क इन आरसी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर इन थ्री स्टेज एस 180 60 120 एंड 90 तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फेस शिफ्ट इन फेस शिफ्ट नेटवर्क तो जो टोटल फेस शिफ्ट होता है बिटवीन इनपुट स्टेज सिग्नल एंड आउटपुट स्टेज सिग्नल दैट इज 180 डिग्री और वो फर्स्ट फेस शिफ्ट टोटली डिपेंड्स ऑन द आरसी नेटवर्क और इक्वली डिपेंड होता है ठीक है तो इन दिस केस जब हमारा फेस शिफ्ट है 180 डिग्री का नंबर ऑफ ऑफ स्टेज थ्री हैं तो व्हाट इज द फेस शिफ्ट बाय एवरी सेक्शन दैट इज 60 डिग्री मींस की बी इज द राइट ऑप्शन ऑप्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसोलेशन फॉर थ्री सेक्शन आर आरसी सी फेस शिफ्ट नेटवर्क इज गिवन बाय तो मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देती हूँ जनरल फॉर्मूला होता है एफ आर इज इक्वल टू वन बाई टू पाई आर अंडर ब्रैकेट टू एन वेयर एन इज द नंबर ऑफ ठीक है है तो इन दिस केस की वैल्यू क्या थ्री अगर हमने एन की वैल्यू को थ्री पुट किया तो इज द इक्वेशन टू बाई आर सी वॉट इज द राइट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द फीडबैक फैक्टर फॉर आर सी फेस शिफ्ट ऑसोलेटर इज वन बाई एटीन वन बाई ट्वेंटी नाइन वन बाई इलेवन वन बाई थर्टी थ्री तो हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है ए बीटा ज इक्वल टू वन ठीक है इनकेसा की वैल्यू होती है राइट ऑप्शन लोडोरशन गुड स्टेबिलिटी एट द रेज फ्रीक्वेंसी डिफिकल्ट टू ट्यून एंड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फ्रॉम फॉर्म ऑफ अ व्हीट स्टोन ब्रेज तो इन दिस केस जैसे मैंने बोला कि वेनब्रेज ऑसलेटर इज जनरली यूज इन लेबोरेटरी फॉर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ठीक है अगर उसको हम यूज कर रहे हैं मीन्स की दे कैन बी इजिली ट्यून्ड तो यहां पर जो ऑप्शन लिखा है कि इट इज डिफिकल्ट टू ट्यून तो दैट इज द रोंग फॉल्स स्टेटमेंट मीन्स की वॉट इज द राइट ऑन्सर सी इज द करेक्ट Now, next question in a brainwave oscillator, it is found that the frequency omega naught there is no phase shift in RF and R. RF is the feedback resistance and R is the input resistance gain loop, and the phase shift of the amplifier is also 0. Then, what is the equation for the radian frequency given R1C1 is the series network of bridge and R2C2 is the parallel network? Okay, so for this formula will be.

Now, next question the frequency of Hartley oscillator is expressed as where L is effective inductance and C is the capacitance. Filter is basically LC oscillator then formula is given by this means ki 1 by 2 pi under root LC. From the de gain device in the Hartley oscillator act as low pass filter, high pass filter, band pass filter and bad rejection filter. So, it work as band pass filter means ki C is the right option for this. This is band pass filter question Hartley oscillator is also called the self-limiting oscillator yes this is also called self-limiting oscillator so this is true means ki a is the correct option okay. I hope you like this video uh, if you have any doubt please write down in comment section and I will try to upload other unit as soon as possible thank you so much